का देशी वैरायटी ऑलवेज रॉक्स, आपको पता है इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, तो ये तो आप किसी भी कंडीशन में लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। वाइट और पर्पल दोनों ही वैरायटीज़ जो हैं, आपको पता है उनकी आयुर्वेदिक औषधि बनती हैं, और डायबिटीज़ में तो ये रामबाण है। जो भी लोगों ने कंज्यूम किया है, जिन लोगों ने भी इसको खाया है, उनको बहुत फ़ायदे हुए हैं इसकी पत्तियाँ और फूलों को खाने से। देशी लेकिन हाइब्रिड प्रॉब्लम करता है, मेडिसिनल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कलर और वैरायटीज़ आते हैं। इसको बचाने का एक ही तरीका होता है कि आप जब भी इसको ख़रीद कर लाएँ, इसकी कटिंग एवरी टाइम लगाते रहें, और इसके सीड बनते हैं इस तरीके से, इसके अंदर फलियाँ बनती हैं, ये मैच्योर हो जाती हैं, तो इसके सीड्स एवरी टाइम डालते रहें मिट्टी में, तो नए नए पौधे तैयार होते रहेंगे। क्योंकि ये हाइब्रिड नाम है तो उसी तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बार बार मर जाता है, तो इसको बचाने का एक ही तरीका होता है, इसकी कटिंग लगाते रहें और सीड्स से तैयार करते रहें। कटिंग बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाती है, बस आप कट करिए और किसी भी मिट्टी में, या आप कोकोपीट में या रिवर सैंड में, किसी में भी लगा सकते हैं। सब में बहुत अच्छे से चल जाती है और फ्लावरिंग करती रहती है, पूरे साल आपके गार्डन में ये बना रहेगा। और देशी वाला तो है ही, ऑलवेज टाइम आपको फूल देता रहेगा। बस सर्दियों में ये थोड़े से टाइम के लिए डोरमेंसी में जाता है, जैसे ही हल्का सा गर्मियों का सीज़न आता है ये वापस से तैयार हो जाता है फिर से फ्लावरिंग करने के लिए। तो आप इसकी वाइट और ये पर्पल वाली वैरायटीज़ लगा सकते हैं, ये भी कटिंग से लग जाता है, सीड से लग जाता है। और खाद की बात करूँ ना, तो आप जो भी खाद है घर में, जो भी आप बना रहे हैं, लिक्विड डालते रहिए, एक बार पॉट फिल करके इसको लगा दीजिए, आपको पूरे साल कलरफुल अपने कलर जो है गार्डन में ऐड करता रहेगा। तो देर किस बात की है, देशी तो लगा ही लीजिए, आम के आम और गुठलियों के दाम।